मैं जानता हूं कि दुनिया भर के लोग ब्राह्मणों को पोसते हैं टीवी चैनल पे और जितने पिछली जाति वाले हैं, ठीक यही चीज कि भाई इनको बौद्धों को भगा दिया, यही चीज सीताराम येचुरी ने बोला था, एक कॉन्क्लेव में मैंने सुना था, ये मिथ है। देखिए मैं आपको बताऊं है क्या। सारी दुनिया में तो बुद्ध धर्म फैलना शुरू हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में जब उसके बाद गुप्ता ये मौर्य से बिलोंग करते थे, फिर गुप्ता जब आए तो गुप्ताज ने पहले एक ऐसा राजे थे जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के फैलाने की कोशिश की, क्योंकि तब तक हिंदू धर्म ऑर्गेनाइज्ड हिंदू धर्म नहीं था, वेद वेदा जी थे, लेकिन ही वॉज देवर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड। और कहते हैं कि उस वक़्त जो बौद्धी थे उनके ऊपर इतने जुल्म शुरू हो गए इस रजीम की तरफ से कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भाग के जाना पड़ा। वो कोई नेपाल चले गए, कोई थाईलैंड चले गए, कोई जापान चले गए, चाइना चले गए, वहाँ पर जाके उन्होंने श्रीलंका चले गए, वहाँ पर जाके उन्होंने बौद्ध धर्म की जो है वो बाकायदा जाके कोशिश की कि वो उसको इस्टेब्लिश कर सकें, और बहुत अच्छे तरीके से किया इस्टेब्लिश। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि इसके बाद कोई एक राजा हुआ नहीं जो इंडिया को जोड़ के रख सकता, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट 500 600 700 राजे बन गए, यहाँ तक कि एक राजे तो छोटे छोटे चार चार पाँच पाँच सात सात गांवों के भी राजे बन गए। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में जो है एक सोसाइटी टोटल डिवाइडेड सी रही, और जिसमें फिर 1200 साल जो फॉरेन फोर्सेस हैं, जिसमें पहले मुस्लिम राजे आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने रूल किया। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी के बाद क्या हमने जात पात या हमने जो नीच जो जिसको हम कहते हैं कि जो मैं नीच वर्ड कभी यूज़ नहीं पसंद करता, लेकिन जो पिछड़ी हुई जाती हैं, हाँ जी, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है पिछले 78 साल से, इसकी बात करेंगे। और हिंदुस्तान में आने वाले जो इलेक्शंस हैं 5 स्टेट्स में फरवरी और मार्च में, उनके फिर बाद में अक्टूबर नवंबर में फॉल में आपको पता है इलेक्शन गोवा में भी हैं और फिर हरियाणा में भी हैं, ऐसे एक और स्टेट है, मैं मेरे दिमाग से निकल गई, 3 स्टेटों में इलेक्शन जो हैं वो 2022 में प्लस 5 अभी स्टेटों में होने हैं इलेक्शन। ए के मिश्रा जी के बारे में आपको क्या कहूँ, इनको डिफरेंट डिफरेंट टीवियों के ऊपर इनकी बुलंद आवाज़ को जब आप सुनते हो तो लोग खुद ही ये पहचान जाते हैं कि हाँ भाई यही एक मिश्रा है जो आता है और कोई लॉजिक की बात करता है, कोई रिसर्च करके काम करते हैं, ये नहीं मेरी तरह आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ये रिसर्च करते हैं, ये बकायदा उस पर काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और शबनम मैम को भी नमस्कार। करण भाई को शबनम नमस्कार। मिश्रा साहब, आपकी तरफ एक अमेरिकन स्टडी ग्रुप है वर्ल्ड में नोन, उन्होंने 2019 और 2020 में 30,000, हाँ जी, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जैन सिख्स हर कम्युनिटी के, बौद्धी हर कम्युनिटी के साथ जो है वो एक सर्वे किया, और उसमें उन्होंने जो एक सबसे बड़ी चीज़ पाई कि ये जो जो मेजर 2019 में और 14 में तो था ही, मोर देन 62% पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन द नॉर्थ। मज़े की बात यह है, और आप हैरान होंगे कि साउथ में, जो साउथ में भी तो हिंदू हैं ना, जो साउथ में हिंदू हैं उन्होंने सिर्फ 19% हिंदुओं ने, सिर्फ 19% हिंदुओं ने जो है वो बीजेपी की वोट डाली। लेकिन साउथ की पॉलिटिक्स कुछ और है, दैट इज़ बेस्ड ऑन लिटिल डिफरेंट लेवल। हमारी ये जो पॉलिटिक्स है, ये बताइए मुझे, मैंने आपसे ना, क्योंकि आप बहुत एक स्पेशलिस्ट हैं, स्टडी ग्रुप भी है आपका, क्या वजह है
कि जो हिंदुस्तान जो दुनिया जो इलेक्शन के मुद्दे होने चाहिए, जैसे यहाँ होते हैं इलेक्शन के मुद्दे होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाँ जी, वेलफेयर ऑफ द यूथ, वेलफेयर ऑफ द लेडीज़, रादर दैन गिविंग गिविंग गिविंग. व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू फोरसी द फ्यूचर इफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कंटिन्यूड? डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं और क्षमा के साथ मैं आपसे थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि आपने बात शुरू की थी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था. वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आपका पहला मत ये था कि ये जो जाति पाति में हम बटे हुए हैं, दिस इज वन थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो अशोका को बताया तो मैं वहीं से शुरू करूंगा. मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और ये मान के चलिएगा कि मैं जानता हूं कि दुनिया भर के लोग ब्राह्मणों को पोसते हैं टीवी चैनल पे और जितने पिछली जाति वाले हैं, कि मैं जानता हूं कि दुनिया भर के लोग ब्राह्मणों को पोसते हैं टीवी चैनल पे और जितने पिछली जाति वाले हैं, वो सारी चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और बाय डिफॉल्ट मेरी कास्ट वही है. तो मैंने इस चीज को बहुत स्टडी किया है और बहुत मैंने अध्ययन किया है. राजनीति, धर्म, जाति पाति आज के करेंट टाइम में कैसे अफेक्ट कर रही है, वो सेकेंड पार्ट आपका है, वो मैं बताऊंगा. मैं बुद्ध से शुरू करता हूँ. जब आपने बोला था वहां पे था ये चंद्रगुप्त जो एक ब्राह्मण था बाई कास्ट, और उसने एक आज के हिसाब से मौर्य था, चाणक्य एक ब्राह्मण था और जो मौर्य आज के हिसाब से वो ओबीसी में आते हैं. 14 साल के एक लड़के को जो है योग्यता के दम पे उठा के उसने चक्रवर्ती सम्राट बना दिया. पहली चीज, उसने जाति नहीं देखी थी, उसने ये नहीं बोला कि तुम मौर्य हो तो हम तुमको सिलेक्ट नहीं करेंगे. उसने उस बालक को सिलेक्ट इसलिए किया, गांव भर के और बालक थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा योग्य था. अब वो एक डेस्टिनी बनी. उसके बाद अशोक आए और अशोक ने, जो आपने ये मत बोला, ठीक यही चीज कि भाई इनको बौद्धों को भगा दिया, यही चीज सीताराम येचुरी ने बोला था एक कॉन्क्लेव में, मैंने सुना था. ये मिथ है, देखिए मैं आपको बताऊं है क्या. ठीक यही चीज कि भाई इनको बौद्धों को भगा दिया, यही चीज सीताराम येचुरी ने बोला था एक कॉन्क्लेव में, मैंने सुना था. ये मिथ है, देखिए मैं आपको बताऊं है क्या. अशोक ने बौद्धों का जो प्रसार पूरी दुनिया में हुआ, वो बुद्धों को यहां से, बौद्धों को यहां से भगाने के कारण नहीं हुआ. ये तो डिक्लेयर्ड इतिहास है कि एक राजा अशोक ने पूरा का पूरा जो है संरक्षण दिया. उसने अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा, कहां भेजा, श्रीलंका वगैरह भेजा. पूरा राजतंत्र अशोक और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा रहा. भाग करके कोई इतना जो है बुद्ध का या किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है जब तक कि राजकीय संरक्षण न मिले. राजकीय संरक्षण मिलना अच्छी बात है, उसके पीछे कारण है. बौद्ध धर्म से सनातन को या यहाँ के जो ओरिजिनल धर्म है 3-4 सनातन का, कभी भी उनसे विद्वेष नहीं रहा. भगाने वाली बात जो मिथ फैलाई जाती है, वो मैं आपको बता दूं क्यों फैलाई जाती है. लास्ट में, यानी कि जब अंतिम इनके वंश का जो राजा हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका सेनापति था पुष्यमित्र सुंग. उस वक्त की आप राजनैतिक परिस्थिति को देखिए, यवन लोग आ करके हर जगह, यहाँ पे आज जो सीए और एनआरसी चल रही है, वो पुष्यमित्र सुंग ने वो काम किया था. उसने राजा को बोला कि यवन सेना शहर के बाहर खड़ी है, आप अटैक करने का आदेश दीजिए. वो राजा इतना भीरू हो चुका था, इतना कायर हो चुका था, उसने बोला युद्ध मत करो, युद्ध मत करो. तब पुष्यमित्र सुंग जो कि ब्राह्मण था, उसने उसको मारा और मारने के बाद कमान ली, युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन सबको भगाया. दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि वहां पे ये भी हुआ था. पुष्यमित्र सुंग के गुरु कौन थे? पाणिनि. अब पाणिनि कौन थे ये भी सुन लीजिए, जिन्होंने संस्कृत जो एक प्रिमिटिव टाइप का, उसमें ग्रामर की बहुत मिस्टेक थी, तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत को एक नया आयाम दिया, ग्रामेटिकली उसको इतना करेक्ट किया, अब अष्टाध्यायी वगैरह ये सब लिख करके, कि आज संस्कृत कंप्यूटर के लिए, साइंस के लिए सबसे रिच लैंग्वेज मानी जाती है, कोई मिस्टेक नहीं है ग्रामर की. और उनके गुरु पाणिनि ने ही जो है सबसे पहले जो है फिर से दशाश्वमेध यज्ञ की यहाँ पे शुरुआत करवाई और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की. ये इतिहास है. अब डिटेल में अगर मैं और जाऊंगा तो उस वक्त भी बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे थे राष्ट्र के लिए, और वो काम राजनीति के लिए किया गया था, न कि धर्म ओरिएंटेड हो करके किसी ने किया था कि भाई एक धर्म विशेष की हमें क्लिंजिंग करनी है. ये मिथ को मैं किसी भी टैलेंटेड आदमी, विद्वान से ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए मैं तैयार हूँ. समय छोटा है, कम है, लेकिन बहुत सारे मैं प्रमाण दे सकता हूँ. दूसरी चीज जो आपने बोला जाति वगैरह, देखिए इसकी ओरिजिन देखिए, सनातन सभ्यता में यहाँ पे जिन लोगों ने भी पूरे एक समाज की व्यवस्था की, जो धर्म गुरु थे, आचार्य थे, ज्ञानी थे,
उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हम जाति व्यवस्था इस निगेटिव प्रस्पेक्टिव के लिए कर रहे हैं। जाति व्यवस्था इट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर हैं, क्या मेडिसिन की क्लासिफिकेशन नहीं होती है कि किस ग्रुप में कौन सी मेडिसिन है? बॉटनी में प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, आदमियों का क्लासिफिकेशन है नियंडरलेथल मानव, और हम करंट में होमोसेपियंस है, हमारा जो है बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है। इतने बड़े समाज को चलाने के लिए जहां पे करोड़ों करोड़ लोग हैं वहां पे क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हर कंपनी में क्लासिफिकेशन होता है कि एक एमडी होगा, एक डायरेक्टर होगा, एक ओनर होगा, क्लर्क से लेके एक हायरार्की होती है, और वो हायरार्की जो होती है डिपेंडेंट ऑन कर्मा एंड क्वालिटी होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन बना था ये कर्मा और क्वालिटी के, हर आदमी तो समान नहीं हो सकता है ना। कोई ये बोले कि भाई आइंस्टीन से कोई कंपैरिजन करे तो आइंस्टीन को तो सबसे टॉप साइंटिस्ट, अब बोले कि जी हमें उनके बराबर क्यों नहीं रखा गया है? एक मिनट मैम सुन लीजिए मुझे, लेट मी कंप्लीट। अब रही बात बहुत अच्छे चीज के लिए जो है ये क्लासिफिकेशन किए गए थे, बाद में राजनेताओं ने, मैं तो ये बोलता हूं कि भाई आप मुझे ये बताइए, सनातन सिस्टम ने, और स्पेशली अगर ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करते हैं तो मैं तो सीना ठोक के बोलता हूं कि हम वो ब्राह्मण है जिसने आज के हिसाब से कृष्ण ओबीसी थे यादव, हमने उनको भगवान बना दिया। आप मुझे बताइए, बिना पैसा लिए हुए उनके जो गुरु थे संदीपन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो आज के हिसाब से, आज के नेताओं और अंग्रेजों के हिसाब से, आज के नेताओं और अंग्रेजों और आज के संविधान के हिसाब से जो ओबीसी है मौर्य, उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। मैं 25 उदाहरण दूंगा, जाति पात की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज करेंट डेट में इन सब चीजों को यूज करके, धर्म को यूज करके और जाति पात को यूज करके डेफिनेटली अपना मतलब साध रहे हैं और गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं। यूज करना, अच्छे तरीके से करना मैं समर्थन करता हूं, लेकिन गंदे तरीके से, स्वार्थ भरे तरीके से कि आप वादा कर लो, मैं बोलता हूं आप वादा कर लो लेकिन आने के बाद उसको फुलफिल तो करो। 70 साल में एक भी वादा फुलफिल किया होता तो किसी न किसी जाति का उद्धार जरूर हो गया होता। 70 साल का समय बहुत होता है सर। आगे अब आप और कंटिन्यू करिए, इस पे हम और बात। आपसे दोबारा आपके पास में आता हूं।